तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों आज हम यहां से देखने वाले हैं वार्षिक बोर्ड परीक्षा कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका सॉल्यूशन। तो प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है हमारा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे। तो चलेगा प्यारे विद्यार्थियों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं कि आपकी वार्षिक परीक्षा कक्षा 12 का आपका राजनीति शास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का आएगा और आप सबको इसकी तैयारी कैसे पूर्ण कर लेनी चाहिए। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों आज मैं यहां से आपको पूरा का पूरा राजनीति का क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं, तो इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा देख कर जरूर जाएं ताकि आप सभी का पूरा राजनीति विज्ञान विषय का पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो सके। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों आपका वार्षिक बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 का राजनीति शास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इसी प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा जिसमें कि टोटल 23 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और टोटली आपका 80 नंबर का यह पेपर होगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपके पास में चाहे कोई सा भी सेट पेपर आए मगर आप लोग इस पेपर को पूरा देखकर जरूर जाएं क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों पेपर में सभी में क्वेश्चन तो एक ही जैसे होते हैं मगर उनका क्रम थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर किस प्रकार का पूरा परीक्षाओं में पूछा गया है और इसका सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से पूरा तैयार कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आपकी वार्षिक बोर्ड परीक्षा कक्षा 12 का राजनीति शास्त्र विषय का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल इसी प्रकार का होगा। आप लोग यहां से इसको पूरा देखकर जरूर जाएं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, दो ध्रुविता के उदय का कारण था। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहां से आप सभी लोग इसको पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन लिखा गया है इसका उत्तर क्या होगा, दो महाशक्तियों का उद्भव, बड़ी शक्तियों की संख्या कम या परमाणु हत्यों की दौर या उपयुक्त सभी कारण। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका जो कारण था ये आ जाएगा, आप सभी लोग यहाँ से इसको देख लेंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे इसके ऊपर चिन्ह लगा लेंगे और इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, निम्नांकित में दक्षिण एशियाई देश नहीं है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों भारत, मालदीव, थाईलैंड और पाकिस्तान। तो देखिएगा इसमें से जो उत्तर आएगा प्यारे विद्यार्थियों तो दूसरे का उत्तर आपका आ जाएगा थाईलैंड, जो है दक्षिण एशियाई देश नहीं है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत खतरे का नया स्रोत है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसका उत्तर आपका आ जाएगा उक्त सभी। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं जिसमें क्या लिखा गया है, आप लोग यहाँ से देख लेंगे, पर्यावरण संबंधी मामलों में राजनीतिक मुद्दों का स्वरूप धारण किया। 4 नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, तो देखिएगा इसका उत्तर आपका आ जाएगा 1960 के दशक में। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, विदर्भ प्रदेश क्षेत्र किस राज्य प्रदेश में है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 5 नंबर का जो क्वेश्चन लिखा है इसका उत्तर आपका आ जाएगा मध्य प्रदेश में। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, निम्नांकित में भारतीय विदेश नीति का निर्धारण तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ये वाला सैनिक गठजोड़। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2 में प्यारे विद्यार्थियों आपको रिक्त स्थान पूर्ति देखने को मिल जाएगी। तो आप सभी लोग यहाँ से रिक्त स्थान पूर्ति को पूरा कर लें। पहला रिक्त स्थान पढ़ते हैं, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की विचारधारा पर आधारित थी। तो देखिएगा इसका उत्तर आपका आ जाएगा समाजवादी विचारधारा पर ये आधारित थी। तो यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है, समाजवादी विचारधारा पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय में स्थित है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन में स्थित है, वाशिंगटन, यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्विक ताप वृद्धि से को सबसे ज़्यादा खतरा है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है, वैश्विक ताप वृद्धि से मालदीव को सबसे ज़्यादा खतरा है, ये इसका उत्तर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैश्वीकरण के कारण संपूर्ण विश्व में वस्तुओं के व्यापार में हुई है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है, बढ़ोतरी हुई है, क्या होगा, बढ़ोतरी हुई है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है, नीति आयोग की स्थापना को हुई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 2015 को। तो यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेंगे। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है, ने भारतीय क्रांति का दल गठित किया, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग लिख लेंगे, चौधरी चरण सिंह, चौधरी और चरण सिंह ने इसका गठन किया था। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत सरकार के समय हुई। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है,
राजीव गांधी सरकार के समय हुई थी इसकी सुधार की शुरुआत, तो यहाँ से आप लोग इसको लिख लेंगे। और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आप लोग इसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे जोड़ी पूछी जाएगी, इस प्रकार से आप लोग जोड़ी को देख लेंगे। तो पहले नंबर की जोड़ी देखते हैं क्या पूछा गया है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो देखिएगा इसकी जोड़ी का मिलान आपको किससे कर लेना है, तो इसकी जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाएगा 5वें नंबर से और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा पहले से, नीदरलैंड के हेग नगर में है। 1992 का पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, रियो डी जेनेरो में। और वैश्विक ग्राम का निर्माण, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों 4 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा गया है इसको कहते हैं वैश्वीकरण। और दूसरी हरित क्रांति, तो देखिएगा 5वें नंबर का जो क्वेश्चन है इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना 2007 से। और उसके बाद में 1997 चुनाव में श्रीमती गांधी को हराने वाले नेता, तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इनका नाम क्या था क्वेश्चन नंबर 6 में जो लिखा गया है, तो इनका नाम आपको मिला लेना है किससे, राज नारायण, इनसे इनका नाम मिला लेना है। तो इस प्रकार से आप सभी लोग इसको देख लेंगे और समझ लेंगे। और उसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से आप लोग इनको देख लीजिएगा इस जगह से। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा गया एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए, तो यहाँ से आप लोग इनको लिख लेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है, द कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीश एवं महाधिवक्ता होते थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग लिख लेंगे 15 न्यायाधीश, यहाँ से आप लोगों को लिख लेना है 15 न्यायाधीश तथा 6 महाधिवक्ता होते थे। 6 क्या होते थे, महाधिवक्ता, इस प्रकार से आप लोग लिख लेंगे। और इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो देखिएगा वर्तमान में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप NCG के कितने सदस्य देश हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस समय जो है इसके 48 सदस्य देश है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उत्तराखंड में खेल सामान बनाने वाली किस कंपनी को अंगू वृक्षों को काटने के लिए ठेका दिया गया था, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस कंपनी का नाम था साइमंड्स, यहाँ से आप लोग लिख लेंगे साइमंड्स इस कंपनी का नाम था। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्या लिखा गया है, देखिएगा भारत विभाजन के दौरान गोवा खालिस्तान क्यों चर्चित रहा, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपका आ जाएगा सांप्रदायिक दंगों के कारण, सांप्रदायिक यहां से आप लोग लिख लेंगे अच्छे से, इस जगह से आप लोग लिख लें सांप्रदायिक दंगों के कारण, सांप्रदायिक दंगों के कारण ये चर्चित रहा था, इस प्रकार से आप लोग लिख लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिएगा भारत विभाजन के बाद में ये हो गया था, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका उत्तर आपको क्या लिख लेना है, जेसी कुमारप्पा, कौन है इसके लेखक, यहाँ से आप लोग लिख लेंगे जेसी कुमारप्पा इसके लेखक है, तो यहाँ से आप लोग लिख लेंगे कुमारप्पा, ये इसको लिख लें इस प्रकार से। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया है, राजीव गांधी लोंगोवाला समझौता कब हुआ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों जो समझौता हुआ था ये हुआ था 24 जुलाई, यहाँ से आप लोग लिख लेंगे 24 जुलाई और 1985 को, इस जगह से आप लोग इसको लिख लें। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों मंडल आयोग के जो अध्यक्ष थे वो थे VP मंडल, यहाँ से आप लोग नोट कर लेंगे ये इसके अध्यक्ष थे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी यहाँ तक का पूरा मैंने आपको बता दिया है। और उसके बाद में यहाँ से आप लोग सत्य असत्य को देख लेंगे, सत्य असत्य किस प्रकार से आप सभी को देख लेने हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, 1965 तथा 71 के भारत पाक युद्ध में चीनी दृष्टिकोण पूर्णतः भारत का समर्थन रहा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रत्येक देश को अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है, ये भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण प्रदूषण हेतु सिर्फ औद्योगिक देश ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों का एक समान रूप से उत्तरदायी है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों ये आपका असत्य होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत विभाजन की योजना में ये बात भी सम्मिलित थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो लिखा गया है, ये जो क्वेश्चन लिखा है प्यारे विद्यार्थियों ये आपका असत्य होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक ध्रुवीयता के युग में भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर नहीं चल सकता। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों ये जो क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका क्या हो जाएगा, एक ध्रुवीयता के युग में भारत अपनी स्वतंत्र नीति पर नहीं चल सकता, ये बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 1948 में जम्मू कश्मीर राज्य के मुखिया को प्रधानमंत्री पद नाम से संबोधित किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा गया है प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी लोग इसको देख लें और आगे इन क्वेश्चंस को देख लें आप सभी लोग और इनका रिवीजन अच्छे से कर लें। टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि मैं यहाँ से आपको बता रहा हूँ, तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को अच्छे से रिवीजन कर लेंगे और अच्छे से आप लोग इनको नोट कर लें। टोटली प्यारे विद्यार्थियों आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि मैं यहाँ
यहाँ से आपको बता रहा, तो आप सभी लोग यहाँ से इनको देख लीजिएगा और इनका रिवीजन आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। आपके पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि मैंने यहाँ से आपको बताए हैं, तो आप सभी लोग इस जगह से इन प्रश्नों को देख लें और इनको समझ लीजिएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।